ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि फांसी पर लटकना पड़ता है, और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिलाओं से हैवानियत करने वालों को चेतावनी दे रहे थे, तब उनकी बातें अयोध्या और कन्नौज से लेकर कोलकाता तक बड़े ही गौर से सुनी जा रही थी। कोलकाता से इसलिए क्योंकि जख्म ताजा है। ट्रेन डॉक्टर से हुई हैवानियत के खिलाफ पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। दिल्ली, कोलकाता, इंदौर और सिलीगुड़ी, ये सिर्फ वानगी भर है। देश के कई दूसरे बड़े शहरों में भी लोगों ने कुछ इसी तरह का गुस्सा देखा है और लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश का मूड देखा और हैवानियत की मानसिकता रखने वालों पर सीधा प्रहार किया। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूँ। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि फांसी पर लटकना पड़ता है, और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री का संदेश समझने में किसी ने भूल नहीं की। यह अलग बात है कि विचार और व्याख्या सबकी अलग अलग रही। कोलकाता कांड से बैकफुट पर आई ममता बनर्जी सीधे राम और वाम पर पहुंच गई। आमी छात्र छात्री देर कोनो दोष दिच्छी ना, बहिरागत किछु राजनैतिक लोक যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমরা বারবার বলেছি ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। प्रधानमंत्री की बातों से ममता बनर्जी को कोलकाता हिंसा में साजिश दिखाई देने लगी, तो लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस को महिला पहलवानों का आंदोलन याद आ गया। इस देश की होनहार बेटियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, आप तब चुप रहे? आपने विनेश फोगाट के लिए एक ट्वीट नहीं किया, आपने विनेश फोगाट की जीत पर नहीं किया। देश की आधी आबादी, क्या आधी आबादी जो महिलाएं हैं, वो कहां सुरक्षित है? जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी एक व्यक्ति के खिलाफ, शोषण के दस्तावेज के बारे में तब चुप्पी नहीं होनी चाहिए थी। मैं दोहरा रहा हूं, आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के अदना लीडर नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, बिहार के अंदर 14 साल की बच्ची के साथ ऐसी ही दरिंदगी? बरेली में क्या हुआ? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल देश भर में उठ रहा है। इसको मैं समझता हूं कि सख्ती से इससे निपटने की जरूरत है। बेटियों, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद सब नजर आ रहे हैं, लेकिन ये चिंता राजनीतिक सहूलियत के लिहाज से प्रकट हो रही है। नारी सुरक्षा के लिए और कलकत्ता की डॉक्टर के लिए पूरे महिला समाज के सम्मान के प्रति समर्पण है, उनकी चिंताओं का निराकरण होना बहुत आवश्यक। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।